ओके okay, ऑलमोस्ट हमारे जावा का लास्ट सेशन है ये और एडवांस टॉपिक के अंदर आ, कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हमने डिस्कस किए जावा में आज हम जेनरिक को जानेंगे कि जेनरिक क्लास क्या है जावा में तो सबसे पहले थ्योरेटिकली समझते हैं जेनरिक क्या है उसके बाद हम प्रैक्टिकल भी करेंगे उससे तो जेनरिक मीन्स पैरामीटराइज टाइप एक सिंपल जो क्लास होती है हम जानते हैं कि क्लास में कोई भी पैरामीटर्स नहीं होते लेकिन जेनरिक क्लास ये कहती है कि आपको हम क्लास में एक पैरामीटराइज टाइप देंगे जिस टाइप के जरिए से एट द टाइम ऑफ द क्रिएशन ऑफ इंस्टेंस आप डेटा टाइप चूज़ कर सकते हैं ठीक है लेट मी रिमाइंड यू अगेन आप डेटा टाइप चूज़ कर सकते हैं काउंट चूज़ नहीं कर सकते जैसे मैंने दो वेरिएबल्स यूज़ किए अब मैं एट अ टाइम ऑफ क्रिएशन कहना चाहता हूं कि दोनों वेरिएबल स्ट्रिंग होंगे फिर सेकंड इंस्टेंस बनाते वक्त कहता हूं पहला इंटीजर दूसरा डबल होगा फिर तीसरा बनाते वक्त कहता हूं पहला स्ट्रिंग दूसरा इंटीजर होगा एंड सो ऑन तो ये फीचर आपको कौन प्रोवाइड कर रहा है जेनरिक बाय यूजिंग पैरामीटराइज टाइप अब आगे फर्दर समझते हैं द आइडिया इज टू अलाउ टाइप इंटीजर स्ट्रिंग ई टी एन यूजर डिफाइंड टाइप यानी यूजर अपनी मर्जी से भी कर सकता है और ओनली इंटीजर टाइप इन चीजों को भी यूज कर सकता है विच मीन प्रिमेटिव डेटा टाइप्स टू बी आर पैरामीटर्स टू आर मैथड क्लास एंड इंटरफेस यानी मैं मैथड में यूज कर सकता हूं क्लास में भी और इंटरफेस में भी यूजिंग जेनरिक इट इज पॉसिबल टू क्रिएट क्लास दैट वर्क विद डिफरेंट डेटा टाइप्स जैसा अभी मैंने जिक्र किया कि मैं डिफरेंट डेटा टाइप्स को वहां पर इस्तेमाल कर सकूं। एन एंटिटी सच एज क्लास इंटरफेस और मैथड दैट ऑपरेट्स ऑन अ पैरामीटराइज टाइप इट्स कॉल्ड अ जेनरिक एंटिटी यानी ऐसी एंटिटी क्लास की इंटरफेस की जो कि पैरामीटराइज के, के जरिए से हैंडल हो यानी क्लास के अंदर पैरामीटर्स मौजूद हो उन चीज़ों को हम क्या कह रहे हैं जेनरिक एंटिटी एंटिटी कह रहे हैं आ वो इंटरफेस हो क्लास हो या फिर मैथड हो अब जेनेरिक क्यों इस्तेमाल करते हैं रीजन ऑब्जेक्ट इज द सुपर क्लास ऑफ ऑल अदर क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट रेफर रेफरेंस कैन रेफर टू एनी टाइप ऑब्जेक्ट यानी जब आप सुपर क्लास का या दूसरी ऑब्जेक्ट क्लासेस सिंपल क्लासेस का ऑब्जेक्ट बनाते हो तो वो रेफर कर रहा होता है एक ऑब्जेक्ट को ही ठीक है ना सिंपल ऑब्जेक्ट को रेफर करता है दीज फीचर लेक टाइप सेफ्टी यानी इस फीचर के जरिए से लेक टाइप सेफ्टी रहती है तो जेनरिक क्या करता है जेनरिक एट दैट टाइप सेफ्टी फीचर्स उसके अंदर फीचर टाइप सेफ्टी को इंट्रोड्यूस करवाता है ऐड करवाता है जिसकी लेकनेस पहले तक मौजूद थी अब ये बनाते किस तरह से हैं तो सेंटेक्स में आप ऊपर देख रहे देख रहे हो कि लिखा हुआ है क्लास नेम और उसके बाद एंगल ब्रैकेट है और एंगल ब्रैकेट में पैरामीटर्स मौजूद हैं ये एक्चुअली वही पैरामीटर्स हैं जिसको मैं अपनी क्लास के इंटरनल पे एज अ वेरिएबल इस्तेमाल करूंगा द टाइप पैरामीटर सेक्शन डेलिनेटेड बाय एंगल ब्रैकेट्स फॉलो द क्लास नेम इट्स स्पेसिफाइज द टाइप पैरामीटर आल्सो कॉल्ड ऑल द वेरिएबल्स लाइक टी वन टी टू एंड टी एन टिल टू द टी एन यानी जितने भी आप चाहो इस्तेमाल कर सकते हो अब नीचे आप देख रहे हो जब मैंने एक सिंपल पैरामीट्रिक पैरामीट्रिक बेस जेनरिक क्लास बनाई तो जब मैं उसका इंस्टेंस बना रहा हूँ तो इंस्टेंस बनाते वक्त यहाँ पर टाइप लिखा एक्चुअली ये टाइप यहां पर जो डिफाइन की जाएगी ये जेनरिक क्लास की होगी और हम प्रीवियस सेशन पे जान चुके हैं कि क्लास सॉरी रैपर क्लास इस्तेमाल होगी और हम जान चुके हैं कि रैपर क्लास क्या है कि जब आप अपनी प्रिमेटिव डेटा टाइप्स को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर रहे होते हैं तो ये एक कलेक्शन को भी हैंडल करता है क्योंकि डिफरेंट वैल्यूज का कलेक्शन यहाँ पर हैंडल होंगे यही वजह है कि ये जो रैपर क्लास होगी यहाँ पर वो इसको एक्सेप्ट करेगी और उस रैपर क्लास के जरिए से आप किसी भी डेटा टाइप्स को यहाँ पर इस्तेमाल कर सकेंगे इंटीजर डबल कैरेक्टर फ्लोट बुलियन एंड अदर्स जो कि प्रिमेटिव होते हैं सो so, अब हम चलते हैं प्रैक्टिकल वर्क में और वहाँ पर देखेंगे दो एग्जाम्पल करेंगे जेनरिक क्लास की कि हम जेनरिक को किस तरह से मैथड uh, के वे पर या क्लास के वे पर इस्तेमाल कर सकते हैं और डिफरेंट जो हमारे पास इंस्टेंस uh, बनेंगे उसमें हम रैपर क्लास को यूज़ करते हुए एक ही क्लास को डिफरेंट प्रमेटिव वे पर इस्तेमाल कर सकेंगे कैसे वो भी हम प्रैक्टिकल देखेंगे तो हम और भी बेहतर तरीके से बात समझ में आएगी तो प्रीवियस जो हमारा प्रोजेक्ट था एडवांस जावा मैं उसी को यूज़ कर रहा हूँ सारे कोड जो उसमें मौजूद हैं उसे कमेंट कर दिया इस बॉडी से हम बाहर आ जाते हैं और यहाँ पर आकर एक सिंपल क्लास बनाते हैं तो मैं यहाँ पर आके एक क्लास बनाता हूँ उसका नाम रखता हूँ जेनरिक क्लास और एंगल ब्रैकेट और इस एंगल ब्रैकेट में टी लिख दिया मैंने एक्चुअली ये टी वही पैरामीटर पैरामीटराइज वेरिएबल है जो जेनरिक में इस्तेमाल होती है अब मैं इसे यूज करूंगा इनसाइड क्लास। लिहाजा मैंने एक प्राइवेट टी को एज अ टी नेम दिया यहां पर टी जो है वो पैरामीटराइज पैरामीटर है उस पैरामीटर को मैंने एज अ एलियास स्मॉल टी नाम दिया है स्मॉल टी की जगह आप कुछ भी लिख सकते हो उसके बाद मैंने एक मैथड बनाया पब्लिक टी गेट वैल्यू ठीक है और उसके अंदर जाने के बाद मैंने रिटर्न करा दिया टी को इसका मतलब ये है कि गेट वैल्यू की जिम्मेदारी ये है कि जो भी टी वैल्यू होगी ना जब आप यूज़ करोगे तो ये उस वैल्यू को तुम्हें रिटर्न करा के दे देगा ठीक है ये जब आप इंस्टेंस बनाएंगे तो इस गेट वैल्यू मैथड को कॉल करोगे एक्चुअली ये जो मैथड है वो जेनरिक मैथड है जिसको हम कॉल करते हुए यूज़ कर सकेंगे अब मैंने इस वैल्यू को पैरामीटर्स के बेस पर लेना है यूज़र से जब मैं लूँगा तो ही तो उसे रिटर्न करवा सकूँगा गेट वैल्यू में तो लेने के लिए मैं एक मैथड बनाता हूं पब्लिक वाइट गेट वैल्यू अच्छा ऊपर भी गेट वैल्यू मौजूद है तो उसको मैं गेट रिटर्न वैल्यू कर देता हूं ठीक है अब गेट वैल्यू में आने के बाद यहां पर आऊंगा और यहां पर लिखा मैंने टी फोर टी टी फोर टी का मतलब यह है कि इस टी को मैं कहूंगा ये जेनरिक पैरामीटर है और यह इसका एलियाज है अब मैं यहां पर आके लिखता हूं डिस डॉट टी इक्वल टू टी इसका मतलब है जो भी वैल्यू मैं यहाँ पर पास करूंगा वो वही वैल्यू होगी जो यहाँ पर जाके रिटर्न होगी ठीक है ये एक सिंपल सी जेनरिक क्लास हो गई इस क्लास को कॉल करने के लिए मैंने इसका इंस्टेंस बनाया और इंस्टेंस कैसे बनेगा अभी हम पीपीटी uh, फाइल पे भी देख चुके हैं एंगल ब्रैकेट अब यहाँ पर मैं रैपर क्लास लिखूंगा तो मैं यूज़ कर रहा हूँ फॉर एग्जांपल इस टी वेरिएबल को स्ट्रिंग तो मैंने कैपिटल एस के साथ स्ट्रिंग लिखा उसके बाद मैंने इसका इंस्टेंस लिखा ओ फिर मैंने लिखा न्यू की जेनरिक एंगल ब्रैकेट स्ट्रिंग एंड देन स्मॉल ब्रैकेट ओपन क्लोज ये जो स्मॉल ब्रैकेट है वो इंस्टेंस का है बाकी एंगल ब्रैकेट हमारे जेनरिक क्लास का है ओके okay. अब मैं यहां पर आता हूं यहां पर आने के बाद मैंने कहा कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है ना उसमें से मैथड कॉल करो गेट वैल्यू को और गेट वैल्यू में यहां पर आकर मैंने लिखा न्यू स्ट्रिंग स्मॉल ब्रैकेट और इस स्मॉल ब्रैकेट के अंदर मैंने लिख दिया सी एस एंड देन आई कम हेयर एस आउट और एस आउट के अंदर एक्चुअली मैं वो मैथड कॉल कर लूंगा जिसके जरिए से वैल्यू रिटर्न होगी तो रिटर्न किसके जरिए से हो रही है भाई गेट वैल्यू रिटर्न के जरिए से और गेट वैल्यू रिटर्न में कोई वैल्यू प्रिंट नहीं हो रही है यही वजह है कि मैं इसको सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल के अंदर कॉल कर रहा हूँ तो मैंने यहाँ पर आने के बाद लिखा ओ बी जे डॉट ठीक है गेट value that's it i'm going to run the program cs will be print and here it is ठीक है अब मैं सेम ऑब्जेक्ट को देखेगा मैं दूसरे वेरिएबल के लिए या दूसरे प्रिमेटिव टाइप के लिए इस्तेमाल करता हूँ मैंने पूरे इस तीनों लाइनों को कॉपी कौ किया पेस्ट किया नाम चेंज करता हूँ वन 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 ठीक है नाम चेंज हो गया यहां पर आके मैंने लिखा इंटीजर कॉपी पेस्ट यहां पर आऊंगा इन्वर्टेड कॉमा हटाऊंगा और यहां पर मैंने वन टू थ्री इंटीजर नंबर लिखा और साथ ही साथ इस स्ट्रिंग की जगह इंटीजर तो ये जो इंटीजर यहां लिख रहा हूं ये रैपर क्लास है जो हम प्रीवियस सेशन पर डिस्कस कर चुके हैं अब इस मैथड के थ्रू यहां पर वन टू थ्री डिस्प्ले होना चाहिए और सी अपनी जगह पर रहना चाहिए मैंने रन किया एंड दैट्स इट तो इस तरह से पहली एग्जाम्पल में हमने देखा कि जेनरिक क्लास किस तरह से अपने पैरामीटर को यूज़ करते हुए अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन एट द टाइम ऑफ द क्रिएशन आप अपने रैपर क्लास से उसको मूव कर सकते हो उस डेटा टाइप पर जो आप बिल्ड uh, कराना चाह रहे हो या प्रोग्राम uh, में यूज़ करना चाह रहे हो दूसरी एग्जाम्पल में हम कंस्ट्रक्टर को यूज़ करते हैं ताकि मजीद मीनिंगफुल पे ये चीज़ें हमें समझ में आ जाए तो मैं एक और क्लास बनाता हूं यहां पर आके और मैंने इसका नाम रखा फॉर एग्जाम्पल कंस्ट ठीक है और एंगल ब्रैकेट बनाया और मैंने यहाँ पर दो वैल्यूज पैरामीटर की यूज़ कर ली के एन वी आप कोई और दो इस्तेमाल कर लें आपकी मर्जी है अभी हमने पी में देखा टी से लेकर टी कोई भी लिख लो आप उसके बाद मैंने बॉडी बनाया बॉडी बनाने के बाद अभी हमने देखा कि हमारे पास जो क्ला uh, वेरिएबल्स होते हैं पैरामीटर्स उसको हम एज ए एलियाज नेम देते हैं तो मैं यहाँ पर आता हूँ मैंने लिखा प्राइवेट कैपिटल के इक्वल टू स्मॉल के ठीक है इसका मतलब है एलियाज उसका स्मॉल के है इसी तरह मैंने लिखा प्राइवेट v इज v ओनली तो इसका मतलब ये हुआ कि जब मैं स्मॉल v को कॉल करूंगा तो इसका मतलब है कि मैं पैरामीटर को कॉल कर रहा हूँ और कैपिटल v को कॉल करूँगा तो इसका मतलब है कि मैं जेनरिक पैरामीटर को इस्तेमाल कर रहा हूँ इट्स ओके अब मैं कंस्ट्रक्टर बना रहा हूँ मैंने लिखा पब्लिक इस पूरी लाइन को कॉपी किया यहाँ से पेस्ट किया और उसके बाद मैं इसकी बॉडी बनाऊंगा तो मैंने इसकी बॉडी क्रिएट कर दी ज लाइक दिस अब मैं यहाँ पर आके लिख रहा हूँ स्मॉल के और यहाँ पर आके लिख रहा हूँ स्मॉल भी इसकी वजह ये है अच्छा एंगल ब्रैकेट यहाँ से हटकर स्मॉल होगा यकीनी तौर पर क्योंकि मैं कंस्ट्रक्टर बना रहा हूँ एज यूजल जिस तरह से हम नॉर्मली कंस्ट्रक्टर बनाते हैं सिंपल क्लास में मैंने वैसे ही integer के यहाँ पर लिखना था तो उसकी जगह मैंने लिखा है कैपिटल के के स्मॉल के कैपिटल के का मतलब है ये जेनरिक पैरामीटर और स्मॉल के का मतलब ये है जिसको मैंने एलियाज दिया है और इसके एलियास के लिए इसी चीज़ को मैं इसके इनसाइड कॉल करूंगा तो मैं लिखूंगा दिस डॉट के इक्वल टू स्मॉल के ये के हमारा ये है और ये वाला के ये है जो कि कंस्ट्रक्टर में पास हुआ इसी लाइन को मैंने यहां से कॉपी किया पेस्ट किया और इसकी जगह मैंने स्मॉल वी लिखा और यहां पर भी स्मॉल वी लिखा दोनों चीज़ें हैंडल हो गई अब जब दोनों चीज़ें कंस्ट्रक्टर में आ गई तो अब मैं इसको गेट भी कर सकता हूं और रिटर्न भी करवा सकता हूं यानी प्रिंट भी तो इसके लिए मैंने एक मेथड बनाया पब्लिक के गेट वैल्यू ठीक है और जस्ट फॉर द यूनिक आप यहाँ पर स्मॉल के भी लिख दो ताकि आपको पता चले कि कौन सी वैल्यू रिटर्न हो रही है और यहाँ पर जाके मैंने लिख दिया रिटर्न स्मॉल के इसका मतलब ये हुआ कि ये मैथड स्मॉल के की वैल्यू को रिटर्न करेगा मैंने इसे कॉपी किया पेस्ट किया अब जहाँ पर गेट के लिखा हुआ है उसकी जगह मैंने वी लिखा और रिटर्न करा दिया वी को तो इस तरह से ये जो हमारी क्लास है कॉन्स्ट के नाम से जिसमें दो पैरामीटर्स जनरेट में मौजूद हैं इसकी जिम्मेदारी ये है कि जब मैं इसका इंस्टेंस बनाऊंगा तो दो वैल्यूज़ बताऊंगा अपने मर्जी के मुताबिक रैपर क्लास के जरिए और इस दोनों वैल्यू को एस आउट के अंदर यूज़ करते हुए के की वैल्यू को भी डिस्प्ले करवा सकता हूँ और वी को भी यानी जो दो वैल्यूज़ हैं हमारे पास लेट्स सी कैसे मेन मैथड पर आया मेन मैथड पर आने के बाद सबसे पहले कॉन्स्टेंट का मैं ऑब्जेक्ट बनाता हूँ एंगल ब्रैकेट यूज़ किया फर्स्ट सबसे पहले मैं क्या करता हूँ दोनों की वैल्यू स्ट्रिंग रहता हूं मैंने लिखा स्ट्रिंग स्ट्रिंग इसका नाम रखा ओ बी जे टू इक्वर्ल्ड न्यू कॉस एंगल ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट ओपन क्लोज एंड देन टर्मिनेट अच्छा जब आप कंस्ट्रक्टर को यूज करते हैं तो जब आप सेकंड इंस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं तो इस एंगल ब्रैकेट में आप कुछ नहीं बताएंगे बल्कि यहां पर उसकी वैल्यूज डिफाइन कर देंगे दोनों स्ट्रिंग की फर्स्ट स्ट्रिंग वैल्यू सेकंड स्ट्रिंग वैल्यू तो फर्स्ट तो पर मैंने लिख दिया फॉर एक्जाम्पल फहद और यहां पे लिख दिया मैंने हुसैन ठीक है ऑब्जेक्ट वैल्यू पास हो गई एस आउट लिखा अब यहां पर आके मैंने लिखा ओ बी जे टू डॉट गेट के वैल्यू एंड वी वैल्यू के के अंदर पहला होगा वी के अंदर दूसरी चीजें होंगी तो के वाले को कॉल किया उसके बाद मैंने इसी लाइन को कॉपी किया पेस्ट किया जहां पर के लिखा है उसकी जगह मैं वी को कॉल कर लूंगा मैंने वी को कर लिया बाकी जितने मेन मेथड पे चीज़ें हैं उसको मल्टीलाइन कमेंट से मैं इंक्रीज कर देता हूं यहां पर और प्रोग्राम रन करता हूं आप देख रहे हैं दोनों चीजें डिस्प्ले हो गई ठीक है पूरे इस मैथड को मैंने यानी इस कोड को कॉपी किया कॉपी करने के बाद पेस्ट किया ऑब्जेक्ट थ्री नाम रखा इसका जहां जहां चेंजिंग की जरूरत है वो किया अब मैं इसको स्ट्रिंग रख रहा हूँ लेकिन सेकंड वाले को इंटीजर कर देता हूँ यहां पर आना पड़ेगा इन्वर्टेड कॉमा हटाया मैंने और यहाँ पर कुछ नंबर्स लिख दिए नंबर लिखने के बाद प्रोग्राम रन किया दोनों चीजें यहां पर आ गई दोनों को एक और मैथड बनाता हूँ सॉरी इंस्टेंस क्रिएट करता हूँ और दोनों को इंटीजर कर देता हूँ पेस्ट किया इंटीजर इंटीजर वन टू थ्री और ऑब्जेक्ट थ्री की जगह मैंने फोर लिखा दैट्स इट एंड नियर इट इज तो इस तरह से ओवरऑल हमने देखा कि जेनरिक क्लास क्या है जेनरिक मेथड क्या है कि क्या फ़ायदा होता है रैपर क्लासेस में किस तरह से यूज़ हो रही है और कलेक्शन ऑफ वैल्यूज़ को हमें हैंडल करके दे रही है